विकास की गाड़ी तो घर घर आई या नहीं आई, सरकार आपके द्वार खुशियां तो नहीं लाई। आज लोग आवेदन दिए बहुत उम्मीद भरी निगाह से, लेकिन हमने जो देखा जो महसूस किया है उसका 5% काम भी नहीं हुआ है। लोग आते हैं कि हम लोग तो जनता दरबार में दिए थे आवेदन, हम लोगों ने तो जो आवेदन आया था उसका कुछ हुआ कि नहीं पूछने आते हैं। जब ऑफिस में पूछते हैं तो उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो हम चाहेंगे एक सुझाव के तौर पे, आप काफी सुलझे हुए सरल और विद्वान हैं, माननीय मंत्री हैं, तो एक बार जरूर जो जनता दरबार में आवेदन लिए गए हैं महोदय उस पे एक बार कम से कम ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अभी अबुआ आवास की बात आ रही थी महोदय, बहुत सारी बातें हो गई, हम उसमें बहुत ज्यादा नहीं देना चाहते, लेकिन सच्चाई है कि वो अबुआ आवास का नाम बदल के बबुआ आवास हो जाना चाहिए महोदय। क्योंकि आज जो ग्राम सभा से पारित हो रहा महोदय, जो माननीय मुखियागण ग्राम सभा पारित करके दिला रहे महोदय, उसका कहीं भी लिस्ट में नाम है नहीं है महोदय, लेकिन जो बिचौलिया अपना चाहते हैं उसी को नाम दिया जा रहा महोदय। तो एक बार हम आग्रह करेंगे, ऐसा नहीं कि विपक्ष कुछ भी बोल रहा महोदय, एक सुझाव के भी तौर पे लेने की आवश्यकता है। बड़ी उम्मीद किए थे लोग कि जिनको घर नहीं मिल पाया है उनको घर मिलेगा, लोग काफी उसमें उत्साहित थे, तो एक बार जरूर उसका जो लिस्ट मिला है उसको दिखवा लेने की जरूरत है महोदय। अभी हमारी बहन अपना वक्तव्य दे रही थी और शुरुआत में इन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, कितने कॉन्फिडेंट हैं और इसके पीछे क्या कारण है? चंडीगढ़ का हमारा विकास, चंडीगढ़ का वाकया पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, अभी फिर हिमाचल प्रदेश में भी लोग खेला करने के लिए पूरी तरह से आतुर है। जनता तो कहीं नहीं कर रही है अध्यक्ष महोदय, जनता तो कहीं नाम नहीं ले रही है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य बात अबुआ आवास की बात जो इन्होंने कही, अब बबुआ आवास, इनके 12-12 सांसद हैं इस राज्य में, इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि एक बार इनका कोई सांसद यहाँ के 8.5 लाख गरीबों का, जिनके सर पे छत नहीं है, एक बार लोकसभा में आवाज उठाने का काम नहीं किया। और आज जब 20 लाख आवास हम दे रहे हैं तो इनके कलेजे पर सांप लौट रहा है यहाँ के गरीब गुरबों को जिनके सर पे छत नहीं है। और कोई भी, मैं चैलेंज करता हूँ इस सदन के अंदर कि ये कह दे कि जहाँ गड़बड़ी है, ह्यूमन एरर होता है 1% 2%, लेकिन जो मानक तय किया गया है उस मानक के अनुरूप पूरी तरह से काम हो रहे। ये वो रघुवर दास वाली सरकार नहीं है। इस सरकार में प्रशासन का कान ऐसे पकड़ कर रखा जाता है कि कोई गलती करोगे तो उसकी सजा तुरंत मिलेगी।